जब कोई बंदिशों से छूटता है तो उसे पूरी दुनिया बेहद खूबसूरत नजर आती है। कुछ ऐसा ही महसूस कर रहे होंगे ये रिहा हुए बाल मजदूर। जयपुर की भट्टा बस्ती में 43 बच्चे बाल मजदूर की बेड़ियों से रिहा हो चुके हैं और अपने आप को खुश नसीब मान रहे हैं। कैसे हुए ये रिहा, आइए बताते हैं। देश में बाल मजदूरी बढ़ती जा रही है, प्रदेश में भी और राजधानी जयपुर में भी। लेकिन मानव तस्करी की स्पेशल सेल और भट्टा बस्ती थाना पुलिस इस पर लगाम लगाने की पूरी कोशिश कर रही है। इसी के तहत पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 43 बाल मजदूरों को मुक्त कराया है। ये सभी बाल मजदूर बिहार के रहने वाले हैं, जिनकी उम्र 7 साल से 14 साल के बीच है। इस मामले में 3 आरोपियों के खिलाफ नामजद मामला भी दर्ज किया गया है। वहीं एक आरोपी मोहम्मद शकील को गिरफ्तार कर लिया गया है। 43 बच्चों को मुक्त कराया जो बाल श्रम में लगे हुए थे। ये बच्चे यहाँ पर चूड़ी बनाने का काम में इनको लगाया हुआ था। राजेश विद्यार्थी की ये पहली कार्रवाई नहीं है, इससे पहले भी वो दिसंबर में 17 बाल मजदूरों को मुक्त करा चुके हैं। कुल मिलाकर अपने 22 महीने के कार्यकाल में अब तक राजेश विद्यार्थी 267 बाल मजदूरों को शोषण की बेड़ियों से मुक्त करा चुके हैं। साथ में मानव निरोधक की टीम भी इनका साथ दे रही है। बच्चे 40-42 बच्चे हैं, ये सब बिहार के रहने वाले हैं। इस मामले में किसी को जो कारखाने का अभी उसका ये बच्चे बता नहीं पा रहे कुछ। देश के भविष्य की बागडोर बच्चों के हाथों में होती है। ऐसे में अगर बच्चों के हाथों में मजदूरी की बागडोर होगी तो भविष्य कितना उज्जवल होगा ये बताने की जरूरत नहीं। HBC न्यूज के लिए जयपुर से राकेश शर्मा की रिपोर्ट। ये तो रिहा हो चुके हैं, लेकिन क्या कारण है कि हर साल बाल मजदूरों की संख्या कम नहीं होती लेकिन बढ़ती चली जाती है, आइए आपको बताते हैं। 1991 में बाल मजदूरों की संख्या 1.12 करोड़ थी, जो 2001 में बढ़कर 1.25 करोड़ तक पहुंच गई और ये बढ़ते बढ़ते 2011 में करीब 2 करोड़ तक पहुंच गई है। यानी बाल मजदूरों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी और रोकने के प्रयास में लगातार गिरावट जारी है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर क्या कारण है कि बाल मजदूरी लगातार बढ़ रही है। तो चलिए आंकड़ों का दूसरा नजरिया आपको बताते हैं। अगर जनगणना के आंकड़ों के हिसाब से बात करें तो देश में लगभग 2 करोड़ बाल मजदूर हैं, जो लगभग 15 रुपए प्रति दिन के हिसाब से साल में 200 दिन के करीब काम करते हैं। यानी कि 2 करोड़ बाल मजदूर, 15 रुपए प्रति दिन काम, 200 दिन तक काम, यानी कि 6,000 करोड़ रुपए का खर्च। अब अगर इन 2 करोड़ बच्चों की जगह मजदूर काम करते हैं तो आंकड़े क्या कहेंगे, आइए बताते हैं। 2 करोड़ मजदूर, 120 रुपए प्रति दिन के हिसाब से काम, 200 दिन तक काम, यानी कि 48,000 करोड़ का काम। यानी कि बाल मजदूरी कराने वाले को हर साल लगभग 42 करोड़ रुपए का फायदा हो रहा है और यह आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा भी हो सकता है। यानी कि बाल मजदूरी एक मजबूरी हो सकती है, लेकिन इससे ज्यादा ये एक रैकेट है जो देश के बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, HBC न्यूज। और इस पर बात करने के लिए भट्टा बस्ती थाने के SHO राजेश विद्यार्थी जी हमारे साथ मौजूद हैं। राजेश जी, आपने जो बाल मजदूरों को छुड़ाया, काफी सराहनीय काम है और ये पहला नहीं, आप कई बार इस तरीके के काम कर चुके हैं, लेकिन जो ये बाल मजदूर है आपके छुड़ाने के बाद इनके आगे के भविष्य के बारे में किस तरीके से निर्धारित करते हैं? सर, हम इन बच्चों को जी CWC के माध्यम से इनका जो निस्तारण करने के लिए पेश करते हैं जी, और CWC जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है वो इनको शेल्टर होम में भेजती है, बच्चों के शेल्टर होम में जी, और शेल्टर होम में भेजने के बाद में फिर CWC के माध्यम से और इनका आगे का जो भी इनका प्रोसीजर है इनके माता पिता को हैंडओवर करने का वो आगे किया जाता है। जी बिल्कुल राजेश जी, लेकिन जो आरोपी हैं जो इनसे बाल मजदूरी कराते हैं उनके खिलाफ कानून में किस तरीके का प्रावधान है, क्योंकि अगर देखा जाए तो हर साल बाल मजदूरी बढ़ती ही जा रही है। हम लोग जो इस इलाके में हम इनके खिलाफ IPC में मुकदमा दर्ज करते हैं। IPC के साथ बच्चों का देखरेख संरक्षण अधिनियम है जी, बालकों का देखरेख संरक्षण अधिनियम, और उसके साथ बाल मजदूरी के जो कानून बने हुए हैं उनके अंतर्गत इनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। जी बिल्कुल राजेश जी,
इस वक्त अगर देखा जाए तो कहा जाता था कि बाल मजदूरी मजबूरी का नाम दिया जाता था, लेकिन इस वक्त ये पूरा रैकेट बन चुका है जिसके अंतर्गत बच्चों को बाकायदा खरीदा जाता है और उसके बाद उनसे बाल मजदूरी कराई जाती है। जैसे कि आपने जो 43 बच्चों को रिहा कराया, ज्यादातर बिहार के रहने वाले, तो इनको इनके माता पिता तक पहुंचाने की कार्रवाई किस तरीके से जाएगी? ये बात सही है कि ये जो लोग बच्चे जो रेस्क्यू हैं, इनमें से ज्यादातर बिहार के और इधर झारखंड के हैं। इनका बच्चों इनके माता पिता तक पहुंचाने के लिए हम TWC के माध्यम से पेश करते हैं कोर्ट में, और उधर उस तरफ से ही जो है इनके सीधे कोर्ट के माध्यम से ही इनको हैंड ओवर किया जाता है। जी बिल्कुल ना राजेश जी, जो पकड़े गए उनमें कुछ की उम्र महज 5 साल के करीब है। क्या वो अपने माता पिता का नाम, अपना जगह, जहाँ के रहने वाले, ये सब बताने में सक्षम होते हैं? क्या उनका डाटा उठाने में या इकट्ठा करने में आपको परेशानी नहीं आती? ये बात सही है कि जो कुछ बच्चे हैं जो बहुत ही छोटे हैं, और इनसे जब इंट्रोगेट करते हैं तो अपना नाम और अपना जो एड्रेस वगैरह बताने में इनको असमर्थता रहती है, लेकिन फिर उसके बाद जब CWC में जब जाते हैं तो वहाँ से लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी इनसे काउंसलिंग वगैरह करते हैं, और फिर उसके बाद इनका पूरा एक बयान लेखबद्ध करते हैं और उसको उसके हिसाब से फिर आगे कार्रवाई करते हैं हम लोग। जी बिल्कुल राजेश जी, इस पूरे मामले में 3 लोगों के खिलाफ नामजद मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से एक को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। क्या उसे सूचना मिली है कि सिर्फ ये जो रैकेट था, ये जो बाल मजदूरी का रैकेट था, ये सिर्फ यही भट्टा बस्ती में ही चल रहा था या इसके अलावा भी इसके सरगना कहीं और पर सक्रिय है? नहीं नहीं, अभी इस तरह की कोई जानकारी नहीं है। हमारे इस इलाके में था तो बिल्कुल इनके खिलाफ कार्रवाई की है जी, और मुकदमा दर्ज करके जो भी कार्रवाई बनेगी आगे करेंगे इनकी। जी बिल्कुल, तो जो बाकी 2 फरार हैं उनके खिलाफ किस तरीके से कार्रवाई चल रही है फिलहाल? बिल्कुल इनकी तलाश करेंगे और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, बिल्कुल कानून रूप से जो बनेगा। चलिए राजेश जी, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे साथ जुड़े थे भट्टा बस्ती थाने के SHO राजेश विद्यार्थी, जिन्होंने आज एक अहम भूमिका निभाते हुए 43 बाल मजदूरों को भट्टा बस्ती से रिहा करवाया था।